हेलो दोस्तों, 2013 में एक मूवी आई थी जिसे आप में से कई लोगों ने देखा होगा, खासकर कि जिन्हें डर की मूवी देखने में दिलचस्पी है। इस मूवी का नाम था द कंजूरिंग। ये मूवी बाकी मूवीज से अलग थी क्योंकि ये बाकी मूवी की तरह काल्पनिक फिल्म नहीं थी, बल्कि ये मूवी एक असल घटना पर आधारित थी। इस मूवी की सबसे रहस्यमय और डरावनी कंटेंट थी एक डॉल जिसका नाम था एनाबेला। कंजूरिंग फिल्म तीन दोस्तों की कहानी जिन्हें एक भूतिया गुड़िया बहुत परेशान करती है। उनकी परेशानी को हल करने के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन आते हैं, जो किसी तरह इस डॉल को अपने नियंत्रण में लेकर अपने पास सुरक्षित रखते हैं। इस फिल्म में इस डॉल की रहस्यमय कहानी को बताया गया है। इस फिल्म में आपको एनाबेला डॉल कुछ इस तरह दिखती है, मगर ये डॉल भी बाकी गुड़ियों की तरह एक साधारण सीखने वाली एक डॉल है। फिल्म में इस डॉल के कंटेंट को आकर्षक बनाने के लिए इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस गुड़िया को रीडिजाइन करवाया जिससे फिल्म और मज़ेदार बने। तो चलिए शुरू करते हैं एनाबेला डॉल की सच्ची कहानी। दोस्तों, आपको वह सच्ची कहानी नहीं पता जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ये एक भूतिया गुड़िया की असली कहानी है। ये कहानी शुरू होती है 1970 में, जब एक लड़की जिसका नाम था डोना, उसे उसकी माँ उसके जन्मदिन पर एक एंटिक डॉल गिफ्ट करती है। डोना को बचपन से ही गुड़ियों के साथ खेलना बहुत पसंद था। यही कारण था कि डोना कॉलेज में होने के बावजूद डॉल से खेलती थी। डोना अपनी एक दोस्त एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना नर्स की पढ़ाई कर रही थी। जब डोना को उसकी माँ ने वह डॉल गिफ्ट दिया तो वह बहुत खुश हुई। पहले तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद अचानक से घरों में अजीबोगरीब एक्टिविटीज होने लगी। कुछ दिनों के बाद डोना और एंजी ने नोटिस किया वो डॉल अपने आप ही अपने स्थान से हिलकर किसी दूसरे स्थान पर चली जाती थी। वो जब कॉलेज से वापस घर आती थी तब डॉल की पोजीशन बदल जाती थी। जैसे ही कभी कभी वो देखती कि वो डॉल एक कमरे से दूसरे कमरे में अपने आप ही पहुंच जाती थी। कुछ दिनों के बाद ये घटनाएं और बढ़ने लगी और डरावनी होने लगी। एक दिन वो दोनों दोस्त जब अपने कॉलेज से वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे में बहुत से कागज पर लिखा था हेल्प अस, हेल्प अस। उसके बाद उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया उस गुड़िया की जांच कराने के लिए। उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने जांच के बाद ये बताया कि ये डॉल एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम था एनाबेला हिगिंस। उस इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेला की आत्मा से बात करने की कोशिश की। एनाबेला की आत्मा ने उसे बताया कि वह उस जमीन पर पहले रहती थी जिस जमीन पर वह अपार्टमेंट बना है जिस पर ये दोनों दोस्त रहती है। एनाबेला ने यह भी बताया कि उसकी मौत तब हो गई थी जब उसकी उम्र केवल 7 वर्ष थी। उसने कहा कि वो डोना और उसकी दोस्त के साथ सुरक्षित महसूस करती है, इसी कारण उससे वो उन दोनों दोस्तों के साथ ही रहना चाहती है। डोना और एंजी को उस छोटी लड़की की कहानी सुनकर उस पर दया आ गई और वे दोनों दोस्त उसे अपने साथ रखने के लिए मान गए। डोना का एक और दोस्त था, उसका नाम था लो। वो भी उन दोस्तों के साथ रहता था उसे अपार्टमेंट में दूसरे कमरे में। लो का कुछ और ही कहना था, उसे वो डॉल शुरू से ही पसंद नहीं थी। दोनों लड़कियों ने तो उस डॉल को एक्सेप्ट कर लिया, पर उसका कहना था कि वह डॉल बहुत खतरनाक है और उन्हें उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन डोना ने लो की बात नहीं मानी क्योंकि उसे उस इन्वेस्टिगेटर की बात सही लग रही थी। इन्वेस्टिगेटर ने उनसे ये कहा था कि उस डॉल में एक 7 साल की लड़की की आत्मा है जो कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती बल्कि प्यार पाना चाहती है। और डोना को ये नहीं पता था कि उस इन्वेस्टिगेटर की बात जल्दी गलत साबित होने वाली है। एक रात जब आधी रात में लॉ की नींद खुली तब उसने पाया कि वह अपने शरीर को जरा सा भी हिला नहीं पा रहा और उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दे रही है। जब उसने नीचे देखा तो उसे एनाबेला डॉल दिखी जो उसके तरफ आ रही थी और एनाबेला लॉ के शरीर पर आकर रुक गई और उसे देखने लगी, जिसके बाद लॉ बेहोश हो गया। मगर अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने देखा कि एनाबेला तो अपने रूम में है ही नहीं, जिसके कारण लॉ ये निश्चित नहीं कर पा रहा था कि रात को जो भी हुआ वो एक सपना था या असली। एक दिन जब लॉ और एंजी अपार्टमेंट में अकेले थे तब उन्हें डोना के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई। जब लॉ उस कमरे में गया
तो उसे डॉल के अलावा कुछ भी नहीं दिखा, मगर अचानक उसे अपने छाती पर दर्द महसूस हुआ। जब उसने अपने छाती पर देखा तो उसे कुछ निशान दिखा और उस जगह से खून निकल रहा था। इस घटना के बाद वो लोग डर गए और उन्होंने एक प्रिस्ट को बुलाया जिसका नाम था फादर एगन। मगर फादर एगन को लगा कि वे इस काम के लिए सही नहीं है। इस आत्मा के बारे में जानने के लिए उन्होंने फादर कुक के साथ बात करनी चाहिए, जो कि एक बहुत बड़े प्रिस्ट थे। फादर कुक ने बाद में जाके एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन के साथ कांटेक्ट किया। एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन ने उस अपार्टमेंट में जाकर डोना लॉ और एनजी से बात की और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चला कि वो कोई 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं है, बल्कि एक शैतान की आत्मा है जो एक छोटी बच्ची बनने का नाटक कर रही है, और वो आत्मा तीनों में से किसी एक के शरीर पर कब्जा करना चाहती है। ये सब जानने के बाद डोना ने उस डॉल को एड और लॉरेन वॉरेन को देने का निश्चय कर लिया। जब वे उस डॉल को अपने साथ लेकर जा रहे थे तब बीच बीच में उनकी कार की ब्रेक और स्टेयरिंग व्हील काम करना बंद कर दे रहे थे। उन्होंने उस गुड़िया पर काबू करने की बहुत कोशिश की मगर वे लोग नाकाम रहे। अंत में उन्होंने उस डॉल पर हॉली वाटर छिड़कने का निश्चय किया, जिसके बाद उस डॉल का प्रकोप कम हो गया और वे डॉल शांत हो गई, जिसके बाद वो लोग अपने घर पहुंच सके। कुछ दिनों बाद उन लोगों ने भी यह नोटिस किया कि ये डॉल अपने एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। उस गुड़िया की कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई। एक दिन एक कैथोलिक प्रीस्ट जिनका नाम था फादर जेसन ब्रैडफोर्ड एड और लॉरेन वॉरेन के घर पहुंचे। वे उस डॉल को देखना चाहते थे। जब वे उस डॉल को देखे तो उन्होंने उसके पास जाकर कहा, यू आर जस्ट अ डॉल, यू कैन नॉट हर्ट एनीवन। ये सुनते ही लॉरेन ने उस प्रीस्ट को कहा कि अगर आप इस बात को नहीं कह रहे होते तो अच्छा होता, और प्रीस्ट वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे कि एड ने सोचा था, कुछ समय बाद एक फ़ोन कॉल आता है जिसने प्रीस्ट ने बताया है कि वो एक कार एक्सीडेंट में बाल बाल बचे है। ये सुनकर एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन ने ये निश्चय किया कि उस गुड़िया को एक उड़ेन केस में रखेंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि वे एक बहुत खतरनाक गुड़िया है और वो गुड़िया आज भी एक उड़ेन केस में बंद है, और वो उड़ेन केस द वॉरेन सोकल्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। वो डॉल एक उड़ेन केस में बंद होने के बावजूद भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर लेती है। एक बार वॉरेन अपने दोस्त को वो डॉल दिखा रहे थे और तब उसके दोस्त ने उस डॉल के सामने ही उसका मजाक उड़ा दिया। और जब वो लड़का अपने घर जा रहा था तभी उसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ये गुड़िया आज भी उसी म्यूजियम में पाई जा सकती है, और ये डॉल दुनिया की सबसे खतरनाक और शापित डॉल है। और जब वे गुड़िया उस उड़ेन केस में रखी गई थी तब से लेकर आज तक जब जब उस उड़ेन केस को खोला गया है तब तक कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। वे गुड़िया अपने आप में ही एक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा।